अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, सन 2019 के अदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया में मुसलमानों की आबादी 1.8 बिलियन है। ये मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ खितों और ममालिक में आबाद हैं। उन्होंने अपने अपने इलाकों में मसाजिद भी कायम की हैं ताकि वहाँ वो इबादत कर सकें। यही वजह है कि दुनिया भर में अनगिनत मसाजिद मौजूद हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बारे में सभी जानते हैं। इन मसाजिद को अक्सर हज व उम्रा ज़ायरीन जाते हैं तो देख लेते हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों मसाजिद के अलावा दुनिया में आर्किटेक्चर और अपनी बनावट के एतबार से बनाई गई दीगर चंद खूबसूरत तरीन मसाजिद के बारे में जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नंबर 1, शेख लुत्फुल्ला मस्जिद। अस्फहान ईरान में मौजूद इस मस्जिद को ईरानी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन शाहकार माना और समझा जाता है। ये मस्जिद ईरान के सफवी दौर की अजीम तामीरात में से एक है, जो कि अस्फहान के मारूफ मैदान नक्शे जहाँ के मशरकी हिस्से की जानेब वाक़ है। इस मस्जिद को हाफ रंगी यानी 7 मुख्तलिफ रंगों वाली टाइलों से बनाया गया है, जो कि इसकी खासियत भी मानी जाती है। जबकि इस मस्जिद का दरवाज़ा आधे चांद की तरह डिज़ाइन किया गया है। इस मस्जिद की तामीर 1603 में शुरू की गई थी। इसकी तामीर का हुक्म सफवी ख़ानदान के शाह अब्बास अव्वल ने दिया था। इसकी तकमील 1619 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद के चीफ आर्किटेक्चर ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद रज़ा अस्फहानी थे। इस मस्जिद के कुछ हिस्सों को 1920 में दोबारा तामीर करके इसकी ताज़ीनो आराइश की गई। नंबर 2, जामिया मस्जिद इंडिया। जामिया मस्जिद इंडिया की मशहूर तरीन मसाजिद में से एक है। इस मस्जिद की खासियत इसके 2 40 मीटर ऊंचे मीनार हैं, जबकि मस्जिद के अकबी जानब 4 छोटे मीनार भी तामीर किए गए हैं। इस मस्जिद को लाल रंग की खूबसूरत टाइलों से तामीर किया गया है, जो देखने वाले को अपनी खूबसूरती में जकड़ लेती हैं। इस मस्जिद की तैयारी में सफ़ेद मार्बल का जा बजा इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के सहन में 25,000 अफराद बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद को मस्जिद जहानुमा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली की सबसे मशहूर मस्जिद है। इसे मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। इसकी तामीर 1656 में मुकम्मल की गई। ये पुरानी दिल्ली के मरूफ तरीन मरकज़ चांदनी चौक पर वाक़ है। मस्जिद की छत पर 3 गुंबद नस्ब किए गए हैं। नंबर 3, शेख जायद मस्जिद। ये मस्जिद मुतहदा अरब अमारात के पहले सदर शेख जायद बिन सुल्तान अन्नेहान ने तामीर करवाई थी। इस मस्जिद को मुतहदा अरब अमारात की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है। दुबई में मौजूद इस मस्जिद के चारों कोनों पर खड़े 4 मीनार 251 फुट ऊंचे हैं। मस्जिद में 84 गुंबद मार्बल से तैयार किए गए हैं। मस्जिद के सहन का रकबा 1,80,000 मुरबा फुट है, जिसमें संगे मरमर और नक्श नगारी का खूबसूरत काम किया गया है। इस मस्जिद में बैक वक्त 40,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। शेख जायद बिन सुल्तान का जस्ते खाकी भी इस मस्जिद के अहाते में दफन है, जबकि इस मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा कालीन बिछाया गया है। दुनिया भर से सैकड़ों सयाह हर साल इस मस्जिद का दौरा करते हैं और इसकी तामीराती फनकारी को सराहते हैं। रवां साल फरवरी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साहबजादी ने भी इस मस्जिद का दौरा किया था। इसकी तस्वीर वायरल भी हुई थी, जिसमें वो काले और सुनहरी रंग का लंबा गौन और सर पर काला दुपट्टा ओढ़े नज़र आ रही हैं। नंबर 4, सुल्तान कबूस मस्जिद। मस्कत में बनाई गई सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद को ओमान की सबसे बड़ी अहम मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है। इस मस्जिद में 5 मीनार हैं, जिनकी लंबाई 300 फुट है, जबकि इसमें 25,000 अफराद के बैक वक्त नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। 1992 में ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैयद की जानिब से कहा गया था कि एक बड़ी मस्जिद तैयार की जाए, तभी इस मस्जिद का डिज़ाइन मंजरे आम पर आया। इस मस्जिद का डिज़ाइन 1993 में मुकम्मल किया गया, जबकि इसकी तामीर 1994 में शुरू की गई और 6 साल 7 माह में मुकम्मल की गई। 2001 में इस मस्जिद को नमाजियों के लिए खोल दिया गया। इस मस्जिद की तामीर में 3 लाख इंडियन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, मस्जिद नसीरुल मुल्क। ईरान के शहर शिराज में वाक़ इस मस्जिद को पिंक या सूती मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इस मस्जिद की ख़ास बात इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले रंग बिरंगे शीशे हैं, जिनमें जब रोशनी छन कर अंदर आती है तो नहायत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है।
रंग बिरंगे शीशे इस मस्जिद की खासियत हैं जो कि इसे दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिद की फहरिस्त में शामिल करवाते हैं। इसका तमीराती काम 1876 में शेराज के हुक्मरान हसन अल नसीरुल मुल्क के कहने पर शुरू किया गया था। व्यूअर्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।